बोलो साईनाथ महाराज की जय, साई बाबा की जय, साई बाबा की। बोलो साईनाथ महाराज की जय, साई बाबा की जय, साई बाबा की। ओके सर, अभी जो नारायण जो है हमारे भीतर में, हर जगह कहीं प्रसाद इनका ही रहता। यहाँ पर 10 करोड़ 20 करोड़ कमाने वाले भी इतना ये नहीं करते। हर जगह भीतर में, हर जगह से सिद्धिविनायक हो, साई बाबा मंदिर हो, पापनास हो, कहीं भी हो, इनका प्रसाद, कहीं इनके प्रसाद रहे बगैर फंक्शन होता ही नहीं। इसके बारे में क्या कहते सर आप? ऐसा तो भक्तों के पास बहुत कुछ है, लेकिन इनके अंदर जो भगवान के ऊपर श्रद्धा भक्ति है वो हम आदर से उनको स्वागत करते हैं। और इनका, इनके ऊपर बाबा का अनंत उपकार है और कृपा दृष्टि है। और हर गुरुवार के दिन इन्हों 6:15 धूप आरती के समय, अभी ट्रेन छूटने में लेट होता, लेकिन हमारे नारायण जी सर जो है यहाँ पर आरती के लिए उपस्थित रहते हैं। ऐसा ही आरती का सेवा बाबा उनके हाथ से दीर्घकाल तक चलेगी। सर अभी आपने कहा कि साईं बाबा का सबके ऊपर आशीर्वाद है, लेकिन नारायण राय बहुत सबसे पहले निकलते हैं, इसके बारे में क्या विशेष होता है? इन्हों जो प्रसाद बांटते हैं यहाँ पर, सेवा बाबा का सेवा भी करते हैं। और 6:15 जो प्रसाद वितरण होता है वो अन्न है पूर्ण ब्रह्मा है, ऐसे संस्कृत की कहावत है। अन्न जो है भगवान के सबसे प्रिय है, ऐसे जो है अन्नदान करने वाले कहीं भक्त लोग हैं, लेकिन अपने नारायण राव जी जो है ना, कम से कम जो मंदिर स्थापना हुए 10 से 12 साल हो गए, 12 साल से लगातार 6 बजे बराबर उपस्थित रहकर भगवान को भक्ति श्रद्धा से अन्नदान करते हैं। कहीं भक्त लोग हैं, लेकिन इन्हों श्रेष्ठ भक्तदान है, सही की जो है ना श्रद्धा है। और हर कहीं भी केवल जो साई मंदिर के नहीं है, बल्कि पापनाश में हो, उसके साथ सिद्धिविनायक में हो, हर एक जगह हमें उन्होंने श्रद्धा से भक्ति से भगवान को जो है ना सेवा अर्पण कर रहे हैं। तो ऐसे जो तारणों को जो है ना भगवान दीर्घायुष्य देने दो, उनके संसार सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होने दो, उनको जो है ना कहीं प्रकार से जो है ना कष्टों से मिटने दो, ऐसे भगवान को प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद और जय श्री साईनाथ, ओम श्री साईनाथ। ऐसे जो है हर भक्तों के पास में श्रद्धा भक्ति रहना जरूरी है। अपने पास जो भी श्रद्धा है, भक्ति जो है सबसे महान है। जहाँ पर भक्त लोग हैं वहाँ पर भगवान प्रसन्न चित्त है। भगवान केवल भक्तों को चाहते हैं, तो यहाँ पर कहीं भक्त लोग अपने जो है ना भक्ति से श्रद्धा से, कहीं लोग जो है ना सवेरे से शाम तक
उपवास रहकर शाम को साई मंदिर में आकर यहाँ पे तेल प्रसाद लेकर जाते हैं। तो अपने नारायण राजे ना भक्ति श्रद्धा से सभी भक्तों को जो है ना अन्नदान कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत महान जो श्रेष्ठ है। तो बिदर में ऐसे जो है महान लोग रहना बहुत आवश्यकता है। ओम हर गुरुवार होंदे, हर नरसिंह चरना होंदे। अब ये लोग पुजारी लोग भी आपका नाम बोलते हैं, इसके बारे में क्या भाई पूछा था सर? मैं अन्नदान करता हूँ को साई बाबा, मेरे को डायरेक्ट दर्शन हुआ सर। मेरे एक्सीडेंट हो गए थे, मेरे बाजू में आकर टहलना। कितने साल की बात है? 95 की बात है। 95 आपको डायरेक्ट दर्शन दिया सर? डायरेक्ट दर्शन, कुछ नहीं आता बेटा, फिक्र मत। तो जब से आप साई बाबा के ऊपर हो, एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को 18 बाटल खून लगे, 1-2 बाटल नहीं 18 बाटल खून लगे। बहुत बड़ा एक्सीडेंट, इतना बड़ा एक्सीडेंट, वहाँ पर बचना नहीं है, कोई बचता बोलते नहीं। मैं कोमा में जाने पर बाबा मेरे पास आए। तो सर यहाँ पर जब साई बाबा मंदिर में जब आते सर, अब जो साई बाबा मंदिर में आप आते हैं तो आप पूरे मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते सर? बिदर में नंबर 1 है आप बिदर में, हर जगह आपका नाम आता सर प्रसादों में, इसके बारे में क्या कहते सर आप? भगवान का आशीर्वाद है, भगवान करा लेने से करा देते, सबसे नहीं कराते, कौन करता है वही करता है, नहीं करने वाला नहीं करते। हमारा भगवान का आशीर्वाद है, दिल लाए करने के करने। आपका नाम सर? नारायण राव, होटल रोलेक्स, होटल है मेरा छोटा। फोन आ रहा सर, नारायण राव के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? हर जगह प्रसाद इनका रहता है, बिदर में भाई बहुत कुछ लोग हैं, लेकिन इतना भक्ति से प्रसाद चढ़ाने का किसी को ये नहीं है सर, इनके हर जगह नंबर 1 पे है सर, इसके बारे में क्या कहते सर? ओम साई राम। इन्होंने अभी कोरोना होने के बाद कंपल्सरी से स्टार्ट करे, प्रति गुरुवार शाम में 6:15 बजे आरती को आके डेली प्रसाद दे करते हैं, आरती को ठहरते हैं, मन से ही करता है, श्रद्धा सबूर से करता है। अभी तो लोग ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए इधर, पहले से भी आते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए, ऐसे ही रहने दो सबका बोल के मैं इच्छा है। और आपका नाम सर? संगमेश गंगा, बीदर।